हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर सी ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर थर्ड। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। देखिए, इससे पहले भी हमने एलसीएम के क्वेश्चन सॉल्व किए, एचसीएफ फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना। तो ये क्वेश्चन भी हमें एलसीएम फाइंड करना है, इसमें 520 का एंड 618 का। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 5 and 20 का एलसीएम फाइंड करने का मेथड क्या होता है, जो गिवन डिजिट है उनको दोनों को एक साथ राइट करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 and 20, 2 से डिविजिबल है, 5 में तो जाएगा नहीं, 5 का एडिटिव राइट किए 10 टाइम्स, अगेन 10, 2 से डिविजिबल है। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, और सारे जो नंबर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। आपको पता है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, ये इसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि जितने भी नंबर हम डिवीजन में काम में लेंगे वो सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर। देखिए 2 से डिविजिबल है, अगेन 5, ये 5 टाइम्स। अब दोनों नंबर 5 है, तो 5 में तो 5 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स एंड 20। तो हमारे पास एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 का एलसीएम क्या हो गया, हमारे पास 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 5 = 20। 20 एलसीएम आएगा 5 और 20। अब देखिए 5 और 20 का जो एलसीएम है हमारे पास, अब देखिए इसमें जो 5 है फैक्टर में आ रहा है हमारे पास 5। 5 इज ए फैक्टर ऑफ 20, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही वो बोल रहा है कि ये जो हमारे पास जो गिवन नंबर का आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो उसमें से एक नंबर दूसरे का क्या है, फैक्टर। वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर, तो इसका मतलब 5 क्या है, इसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर जैसे हमने किया तो 5 नंबर आ रहा था उसको फैक्टर में, तो 5 नंबर 20 का क्या है, फैक्टर। ऐसे आप बी पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, 6 and 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे, मिनिमम नंबर 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, ये 9 टाइम्स। 3 and 9 में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो 2 का नहीं, तो उसके बाद जो प्राइम नंबर है 3 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे 1 times 3 times 1 and 3, 3 से डिवाइड 1 times and 1। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 6 and 18। 6 and 18 का एलसीएम 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। अब देखिए इस केस में जो हमारे पास 6 आ रहा है वो 2 × 3 = 6 होता है हमारे पास, इसका रिजल्ट क्या होता है, 6 होता है। तो 6 इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। गिवन नंबर हमारे पास 6 and 18 का आंसर तो आ गया हमारे पास एलसीएम, और एक राइट करेंगे 6 इज ए फैक्टर ऑफ 18। एक लाइन राइट करना है आपको, 6 इज ए फैक्टर ऑफ। तो ऐसे ही हमारे पास एक्सरसाइज 3.7 में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, जिसके अकॉर्डिंग हमें एलसीएम भी फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और एचसीएफ भी फाइंड करना होगा। दोनों ही मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है।